वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आज हम शो कर रहे हैं ईद उल ईसार पर, और उसके साथ साथ जो है अभी हमारा मॉर्निंग शो भी चल रहा है. मेरे साथ स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं, हाजी चंदजेब सवाती. इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है. इसके साथ साथ जो है मिशकात हमारे साथ मौजूद है, शी इज़ इंटरनेशनल होस्ट. और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं शब्बीर मेमन, जो हमारे शो के प्रोड्यूसर भी हैं. इनसे हम ईद से रिलेटेड कुछ सवालात करेंगे. अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट साइड पर भी आएंगे, सर से भी हम थोड़ा एंटरटेनमेंट के सवालात पूछेंगे. ईद मनाते कैसे हैं, कभी इनकी ईद पे लड़ाई हुई है इनकी वाइफ से, या बच्चों ने कभी शिकायत की है. हम मिशकात से ज़रा सिंगिंग भी पूछेंगे, इनको सॉन्ग्स आते हैं या नहीं. और हम आपसे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूछेंगे कि अगर हम सस्ते घर बनाना चाहें तो क्या सोल्यूशन होता है. सर आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने कभी अपने मिसेस से झगड़ा किया ईद के दिन? जहाँ प्यार होती है वहाँ तकरार जरूर. ईद के दिन का बताएं. नहीं, मेरी जिंदगी के अच्छे अमाल जो है वो मेरी बीवी की शक्ल में अल्लाह ने मुझे. हो एक्सीलेंट. अच्छा जी, ऐसा इसका मतलब ये है कि आपका कभी झगड़ा नहीं हुआ है? नहीं, झगड़ा क्यों नहीं हुआ, ये किसने अच्छा कहा हुआ है? जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार होता है. अच्छा. आप गिला भी उनसे करते हैं जिनके गले मिलते हैं आप. अच्छा ठीक है. अच्छा गोश्त के मामला जब होते हैं तो जरा ये बताइएगा, ये भी बड़ा एक टिपिकल सा होता है कि किसको कितना देना है, किसी को जो आपकी मिसेस है उनके घर वालों को कितना अमाउंट में देना है, आपके घर वालों को कितना, ये भी बताएं जरा हमारी गोश्त. नहीं, मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली के अंदर जो है वहाँ जितना एहतराम मेरी बहन का है उतना ही एहतराम मेरी बीवी की बहन का है. वहाँ साली आला तसव्वुर नहीं होता है, बहनों आला तसव्वुर होता है. दूसरी बात यह है कि वो खुद एक इंसाफ पसंद औरत है, मेरी जो जोजा है वो खुद इंसाफ पसंद है. और पूरे फैमिली में अगर इलेक्शन करवाया जाए तो वो मुझसे जीत सकती है. देख रही है ना, तो मैं उनको कहूंगी देखें जी आपकी जो है ना पाकिस्तान टेलीविजन पर जो है. मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन करवाया जाए मेरी फैमिली में तो मेरी बीवी को ज्यादा वोट पड़ेंगे मेरे मुकाबले में, क्योंकि जो मेरी जहाँ पर मेरी जरूरत होती है वो उन चीजों को भी कवर करती है. क्योंकि पॉलिटिकल आदमी जो होता है उसके पास जो है मसरूफियत ज़्यादा होती है, फिर हल्का है, फिर आवाम है जो लोग हमें वोट देते हैं, हमें मुंतखब करते हैं, और फिर वो उस हल्के से जिस भी उम्र का आदमी है, मर्द है औरत है, तो हमारा जो एक निज़ाम है वो कबायली निज़ाम है. मतलब मैं नाताहान गोठ मेरा हल्का है, अपना शाह लतीफ़ टाउन मेरा हल्का है, तो उस हल्के की जो आवाम है जो मुझे मुंतखब करती है, जो मुझे प्यार देती है, तो वो मेरी फैमिली है, मुझे उनको टाइम देना पड़ता है. स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि जब मैं अपनी मिसेज के साथ बच्चों के साथ, आप अपने बच्चों को ऐसे बढ़ते हुए देखते हैं, सियासतदान जो होता है वो अपने बच्चों को ऐसे बढ़ते हुए देखते हैं कि बैठ के ऊपर अभी बच्चा जो है वो कितना है. और इस मामले में मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी बहुत सारी जगह जहाँ पर मुझे जाना होता है वहाँ मिसेज जो है वो फैमिली के जो है जी 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 बिल्कुल कवर करती है. और ज़िंदगी का अल्लाह पाक गरीके रहमत करे मेरी वालदा को कि उन्होंने मेरे लिए जो फैसला किया था वो मेरी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा साबित. पहली बार किसी को इतनी तारीफ करते हुए देखा है. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. चले मिशकात, आप जरा हमें सॉन्ग सुना दें. आप रेडियो भी करती रही हैं, हमने सुना है आपकी बड़ी तारीफें सुनी हैं. बैकग्राउंड से मुझे पता चलता रहा है कि आप जो है रेडियो शो भी कर रही हैं, होस्टिंग भी करती हैं, तो हमारे व्यूवर्स ने क्या कसूर किया भाई, आप अच्छा सा अपनी आवाज में सॉन्ग सुना दें. भाई मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन ईद की खुशी में और आपने मुझसे कहा है तो मैं ज़रूर हमारे सारे मुसलमानों को ईद की खुशी में ये तोहफा पेश करना चाहूँगी. बिल्कुल शानी, ज़रा आप म्यूज़िक भी चला दें. और आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, सो प्लीज़ आप एक्सपेक्ट ना करेंगे, बहुत अच्छा होगा. क्या बात, बहुत खूब अच्छी आवाज, अच्छी आवाज, जबरदस्त आपने गाया. आपका जो है वो कहाँ तक पहुँचा जी? हम लोग बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा ये ड्राई हो रहा है, बट दिस इज ऑलमोस्ट रेडी. बस इसमें थोड़ी सी मैं ग्रीन चिलीज डालूंगी जो मैंने स्लिट करके रखी थी, 3-4, और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस जाएगा.
ओके ये कोरिएंडर जबरदस्त ठीक है विद इन 2 मिनट्स मैं इसको सर्व कर दूंगी ओ रेडी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर हमारे इंटरनेशनल होस्ट भी वेट कर रहे हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस भी और हमारे बिल्डर भी और सबसे बड़ी बात ये हमारे प्रोड्यूसर हैं शो के तो आपने बड़ा अच्छा सर्व करना है ये पकाएंगे हम खाएंगे बिल्कुल आपसे जरा मैं पूछना चाहूँगी कि एक प्रॉपर्टी का मसला बड़ा चल रहा है कराची बड़ा महंगा होता जा रहा है रहने के हवाले से और अगर कोई मजदूर तबके के लोग हैं उनके लिए बेचारों के लिए रेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं तो ज़रा ये बताइएगा इसका क्या सलूशन हो सकता है आप बता रहे थे कि कोई स्कीम भी चल रही है 20 साल देखिए एक 20 साल स्कीम चल रही है जो गवर्नमेंट ने इस वक्त बैंकों से मर्ज करके इस स्कीम को बनाया जिसमें बिल्डर्स भी शामिल है और सबसे बड़ा नाम अकील करीम रेड्डी साहब का है और वो पिछले मंथ हम साथ ही थे तो हम ऐसी जगह देख रहे थे कि जहाँ पर उन्होंने मुझे मतलब खुला ये कहा कि देखो मुझे अब कमाने के लिए प्रॉपर्टी नहीं बनानी लोगों को जो है ना फायदा देने के लिए अब प्रॉपर्टी बनानी है ताकि लोग जो है इससे फायदा उठाए तो हम पूरा दिन ही साथ घूमते रहे मुख्तलिफ जगहें देखते रहे तो उन्होंने ये कहा है कि जो लोग रेंट पे रह रहे हैं और रेंट पे उनको तकलीफ है वो रेंट ही देते रहेंगे 20 साल में वो मकान उनका अपना जाती हो जाएगा जबरदस्त तो बड़ी अच्छी प्लानिंग अकील साहब ने की हुई बहुत जबरदस्त और इसके बारे में जरा हम डिटेल में पूछते हैं कामयाबी हो ओके आपसे जरूर इससे इसके बारे में पूछती हूँ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं मिशकात आपका भी बहुत शुक्रिया आपने ईद के दिन हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे लोगों को एंटरटेन किया और सबसे बड़ी बात आपसे बड़ी लर्निंग हुई होगी हमारे बहुत सारे लोगों को जो वाइफ की टीवी में बैठ के इतनी तारीफ कर रहे हैं और मिशकात आपसे भी बहुत ज़्यादा हमें जो है वो सीखने को मिला कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर किस तरह ईद मना रहे होते हैं और एक वाकई आपका एक समझ लें सर्विंग है नेशन के लिए सर्विंग है कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को और आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू और इसके साथ साथ जो है मैं टाइगर बिस्किट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी टाइगर एनर्जी बिस्किट्स में है 20% डेली डोज ऑफ आयरन एंड जिंक यानी कि इंक्लूड है आयरन एंड जिंक और बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है आयरन जिंक टाइगर लाया नया टाइगर A to Z अल्फ़ाबेट्स लाइक कि इसके बिस्किट्स के अंदर जो A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं और साथ साथ में जो है खाओ खेलो और एनर्जी के साथ भरपूर जियो विद टाइगर और थैंक यू सो मच एंड मैं आप शामिल करना चाहूँगी ईसा लेबॉर्ट्री को ईसा लेबॉर्ट्री जो है वो हमारा एक अच्छा स्पॉन्सर है बिग स्पॉन्सर है और ईसा लेबॉर्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सर्व कर रहा है रिगार्डिंग द कोविड इसके साथ साथ जो इनकी खदमात हैं पूरे मुल्क के लिए और जितनी भी न्यू टेस्टिंग है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के हवाले से या किसी भी डिसऑर्डर के हवाले से ईसा लेबॉर्ट्री का उसमें बड़ा नाम है एक ब्रेक की जानिब चलती हूँ देखते रहिए मुस्कुराती सुबह वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक हम लोग आज बात कर रहे थे रिगार्डिंग ईद के इसके साथ साथ जो है हम बात कर रहे थे ईद कुर्बान के हवाले से भी ये किस तरह तरीके से पॉलिटिशियंस ईद मनाते हैं किस तरीके से डॉक्टर्स ईद मनाते हैं और साथ साथ में जो है हमारे साथ इंटरनेशनल गेस्ट भी मौजूद थे अभी हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है हफ्सा शावेज़ ने और शुजा हैदर ने इनसे हम पूछेंगे कि ईसा लेबॉर्ट्री से इनका ताल्लुक है तो हम ज़रा ईसा लेबॉर्ट्री से रिलेटेड न्यू टेस्टिंग जो आई है उससे सवालात करेंगे और कोविड का जो डेल्टा वेरिएंट वायरस है इससे भी पूछेंगे कि क्या इसकी फैसिलिटी है इनके पास कि हम उसको डिटेक्ट कर सकें वार्मली वेलकम इन द प्रोग्राम एंड ईद मुबारक दोनों आपको कैसे हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छा शुजा आपसे मैं पूछूंगी कि डेल्टा वेरिएंट जो है नया वायरस है और इसकी जो टेस्टिंग कैपेसिटीज़ हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज के पास आई डोंट नो अबाउट दैम कि क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ज़रा ईसा लेबॉर्ट्री तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है तो क्या आप लोगों ने ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दी मार्केट के अंदर कब तक आप लोग मार्केट में लेकर आ सकते हैं इस वायरस की डिटेक्शन को यानी कि वेरियंट है ना दिस इज़ अ वेरियंट तो PCR के थ्रू ही होगा या क्या होगा नया ब्लड टेस्ट होगा कोई नई टेक्निक इंट्रोड्यूस होगी वट कैन यू सजेस्ट अबाउट फिलहाल तो ये PCR के थ्रू ही होगा वही प्रोसीजर सेम रहेगा तो लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे हम कर सकें कवर ना ओके बहुत ज़रूरी था ईद के शो में भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना आपको बताना क्योंकि हम लोग को सिर्फ इंटरटेनमेंट की बातें नहीं करनी होती ईद में सिर्फ खुशियां तो मनानी है साथ साथ में अपनी केयर भी करनी है और आपको पता है डेल्टा वेरियंट इज़ मोर लीथर दैन द प्रीवियस वन जो
पिछला वायरस था उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा जानलेवा है और इसकी सीवियरिटी है वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लंग्स को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करता है। तो प्लीज़ 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 आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वायरस के ख़िलाफ़ जो है आप SOPs का आप जो है प्रॉपर वो करें और इसके साथ साथ जो केयर भी अपनी करें। और इसके साथ साथ मुझे एक और स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है, ही इज़ अ पॉलिटिशियन, डायनामिक पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छी जो है वो इनका यानी फीडबैक रहा है एज अ पॉलिटिशियन, बहुत ज़्यादा खदमात रही हैं मुल्क के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ही इज़ अ MNA, सो मैं इनको अब प्रोग्राम में आपको वेट नहीं कराऊँगी, वेलकम कहूँगी। मेरे साथ प्रोग्राम में कादर मंदोखेल साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक आपको। आपको भी मुबारक हो, आपको देखने वाले को, पूरे पाकिस्तान को, आलम इस्लाम को ईद मुबारक हो। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। थैंक यू सो मच सर, बीइंग अ MNA आपने इतना स्पेशल डे पर हमारे लिए टाइम निकाला, ये हमारी कोई खुशकिस्मती है कि आपने टाइम निकाला। एज अ पॉलिटिशियन आप लोग के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज ईद के दिन क्या होता है? ईद के दिन तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अपने लोगों के दरमियान रहे, जो कि ऑलरेडी घर वालों से रिश्तेदारों के लिए पहले और दूसरे दिन रखा है, और तीसरे दिन मैंने अपने हल्के के लिए रखा है। अच्छा, तो तीसरे दिन मैं हल्के जो मेरा बल्दिया टाउन है, ये बहुत अच्छा आपने किया है कि आपने डिवाइड किया है, तीनों दिन आपने मुनसफाना तरीके से जो है ना डिवाइड किया हुआ, ये मुझे बात अभी तक। उसकी वजह ये होती है कि पहले दिन मिसाल के तौर पर हमारे घर में मामू वगैरह आते हैं या हम पहले दिन चले जाते हैं, तो दूसरे दिन उन्हें लाजमी आना होता है। अच्छा, तो वो दो दिन इस वजह से, एक दिन में नहीं निपटाया जा सकता, क्योंकि हम जाते हैं तो वो भी जरूर आते हैं। अच्छा, वो आते हैं तो हमें भी जरूर जाना पड़ता है, इस वजह से दो दिन स्पेशलीज के लिए और तीसरे दिन अपने हल्के बल्दिया टाउन के लिए। सर, मुझे आप ये बताएं, आपने सबका तो टाइम बता दिया, फैमिली का टाइम जो आपके मिसेस का टाइम है, वो टाइम कैसा होता है? वो आप प्रॉपर दे रहे होते हैं या नहीं? नहीं, वो तो ऐसा है कि पिछले दिनों में जब मैं ये सेशन चल रहा था मुसलसल, तो मैं इस्लामाबाद में था, सही, उसके बाद जब मैं आया तो आती एयरपोर्ट से मैं चला गया हल्के में बल्दिया टाउन में, और मैं आया सुबह 4 बजे, सही, तो जारी बात है घर वाले सब सो रहे, तो सुबह वाइफ जो उठी उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद में हो या कराची में, कुफर तो नहीं पड़ा? और आप अब मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं है, अब सिवाय मुस्कुराने का मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कहा हाँ बात सही है। अच्छा, आपने मुस्कुराकर उनको थोड़ा सा बहला लिया, वरना तो फिर कोई जंग शुरू हो जानी। नहीं नहीं, जो उनको पता है, जो पॉलिटिक्स में आ गए, और पॉलिटिक्स से पहले मैं एक वकील हूँ, Okay. तो वकील को डॉक्टर की लाइफ जो है ना वो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये जारी बात है, टाइम नहीं दे सकते। बिल्कुल एक्सट्रीमली सर, मैं आपसे इसके बारे में कहूंगी कि मैं आपको आप अग्री करती हूँ कि डॉक्टर की लाइफ और एक पॉलिटिशियन की लाइफ या फिर एक वकील की लाइफ जो होती है वो उनकी अपनी लाइफ नहीं होती है, डॉक्टर की लाइफ जो होती है वो पेशेंट्स की होती है, और आपकी जो पॉलिटिशियन की, तो ऑब्वियसली बात है नेशन के लिए आप लोग सर्व कर रहे होते हैं। और इसके अलावा सर क्या बताना चाहेंगे इस ईद पर, क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे? अभी तो कोविड भी है, तो कोविड के हवाले से क्या SOPs आप लोगों ने मुख्तस की हैं या लोगों को, या अपने हल्के में आपने क्या तजवीज़ दी हुई है? वो ऐसे शुरू में जब ये कोरोना शुरू हो गया, तो मैं अपने हल्के बल्दिया टाउन में, जहाँ सख्ती थी, और वो डिटोल का फार्मूला हमने जो देसी फार्मूला बना के हम लोगों को बता, तो आधा घंटा मैं लेक्चर दे रहता, ये थोड़ा पानी मिला दे, फिर ये स्प्रे कर दे, फिर ये लॉक पे, फिर ये दरवाजे पे, सब पे, और ख़बरदार कोई किसी के साथ हाथ ना मिलाए, एहतियात करना है, वो आधा घंटा मैं लेक्चर दे। जब मैं बैठा तो एक शख्स इस्लाम अलैकुम की हालत हुई, तो मैंने कहा यार खुदा को मानो यार यार आधे घंटे, अरे वो नाराज़ हो गया फिर। अच्छा, भाई ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, फिर मैंने उसको मनाया, दोस्तों से बात की कि यार उसको समझा दे, तो बात ये होता ना, ये हमारी कौम नहीं सुधरने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोशिश करना चाहिए, इवन कि ये देखते हैं कि बीमारियाँ हैं और एक वायरस से जान छूटती है, दूसरी आ जाती है, अब वो डेल्टा आ गया। अब यही मैं जहन में सवाल आ रहा था कि भाई मैं इनसे पूछूं कि पहला जो था वो तो कोरोना का वैक्सीन थी, अब ये डेल्टा वाला इसका कहाँ होगा, इसको कोई अलग से होगा या वही होगा? नहीं, एक्चुअली आपकी इम्यूनिटी जो भी वैक्सीनेशन अभी लग रहे हैं, ये आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है, ताकि आप जो भी वायरस आता है उससे फाइट की जा सके, एंटीबॉडीज जो है वो क्रिएट की जाती हैं बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियसली अगर आप वैक्सीनेटेड होंगे तो मतलब ये पेनाडोल की गोली है यार, किसी को दो यही बोलो ना सीधे सादा सवाल भाई, वो तो कोरोना के लिए तो अब तो डेल्टा आ गया, तो नाम क्यों चेंज है फिर? नाम तो एक होना चाहिए ना अगर सबके लिए। बिल्कुल सर, एक्चुअली ये सब होती है वायरस की फैमिलीज और सबकी जो मतलब पैथोजेनेसिटी, मतलब एक ही खानदान है, बारी बारी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और फिर अलग अलग तरीके से। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जब सिंध हुकूमत ने बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में, जो सिंध गवर्नमेंट ने WHO ने इसकी तारीफ़ की है, सिंध गवर्नमेंट की, वज़ीर आला सिंध की, क्योंकि पहले तो इससे पहले तो लोग उसको बुखार कहते थे, मामूली से खांसी कहते थे, मगर अब उसको एहसास हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी कहता हूँ, पाकिस्तान ने
बहुत जल्दी उस पर काबू पा लिए। और वैसे मैं दूसरी बात भी, अगर मैं हंसी मजाक वाला करूँ, इतना हमारे यहाँ कचरा गंदगी है, वो कोरोना तो वैसे ही भागे के बोलो इनको क्या होगा, आधे भी हो चुके हैं ना जरा। सर आप जरा बताएगा कि ये सर ने जिस तरह बताया कि हमारी आवाम जो है वो समझने वाली नहीं है, तो आपका कितना इंटरेक्शन है ऐसे लोगों से जो सर ने बताया कि आधा घंटा लेक्चर दिया उसके बाद वो हाथ मिलाने आ गया। मेरा जो है ना पख्तूनों से कारोबार भी है और अभी भी मेरे पार्टनर हैं बहुत सारे, और मैं इनके मेहमान नवाजी देखता हूँ। इनके यहाँ जो है ना बड़ा संभालना पड़ता है हर मामले को, कोई बुरा मान जाए तो ये बड़ा बहुत बड़ा इशू हो जाता है। जिस तरह इन्होंने बोलाया कि भाई हाथ मिलाया और हाथ मैंने दिया नहीं, तो वो बहुत बुरा मानते हैं। ऐसा नहीं मतलब वो क्या चलो एक नॉर्मल बात होगी, इनके इनकी हल्के अहबाब। मैंने तो ये नहीं बोला कि मेरे हल्का तो, मेरा हल्का तो आपने कैसी ये सोच ली कि वो पख्तूनी होगा, मैंने तो ये तो नहीं कहा, क्योंकि मेरा हल्का तो एक गुलदस्ता है जहाँ अजारावाल भी है, पश्तून भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है, और अखिलियत भी है, क्रिश्चियन बड़ी तादाद में है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, बलूची भी है। मैं समझ रहा हूँ कि NA249 जो मेरा हल्का है शायद कराची का पहला हल्का है जो तमाम अकवाम, तमाम जबानें और तमाम मसलक के लोग वहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर देखें हमारे पाकिस्तानियों को समझाना, जैसे उनकी बात के आपके पख्तून या फिर जो भी मेहमान नवाज है, मेहमान नवाज लोग होते हैं, तो हम पाकिस्तानी सभी मेहमान नवाज होते हैं एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को। मैं उस हवाले से नहीं गिरा, मैं सवाल कर, मेरा ताल्लुक इनसे है, कारोबार है, तो मैं देखता हूँ मेहमान नवाजी में हर चीज़ में और एक दूसरे का रखना, और हर कौम में ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक ताल्लुक पड़ा तो मैंने देखा अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं। और दूसरा ये है कि देखें मैं आपको बताऊँ, आप इस में हमारे कराची में आप अगर ले लें, खासकर जो हमारे गुजराती स्पीक है, मेहमान स्पीक है, तो वहाँ तो मेहमान आया और दो घंटे में चला गया। बिल्कुल गलत बात बोली, दो घंटे में बिल्कुल नहीं, दो घंटे देते हमारे भाई है पाकिस्तानी है, ये कारोबारी लोग है, ये तो सलाम दुआ भी पूरी नहीं करते, हाँ भाई क्या हुआ ये वो ठीक है। हमारे यहाँ तो 10-15 मिनट सलाम दुआ करते हैं, पूरा खानदान पूरा शजरा पूछते हैं, और फिर 2 मिनट काम की बात करते हैं, फिर दोबारा जाके और ठीक है सब खैर है, ऐसी महसूस करे जैसे मैं को काम के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो सलाम दुआ के लिए आया हूँ। आप लोग तो मिनट में फारिग कर दो। सर मसला ये है कि आपके गांव से लोग भी आते हैं, तो वो बड़ा एक हमारे गांव में तो कोई है ही नहीं, हमारा गांव ही नहीं है, हम तो रहते हैं शहर। ठीक सही कह रहे हैं कि आपका गांव, जरा ये हम आप जरा ये बताएं, एज अ डेवलपर एज अ बिल्डर, आप हमारे लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए क्या फैसिलिटी दे रहे हैं भाई प्रॉपर्टी के हवाले से? देखिए नया पाकिस्तान की जो स्कीम है, और मैंने अभी प्रोग्राम में पहले भी आपको कहा था कि अकील करीम रेडी साहब बड़ा इस पे काम कर रहे हैं, नया पाकिस्तान की स्कीम, नया पाकिस्तान, उसमें ये है कि एक इंस्टॉलमेंट बना लेंगे 20 साल की, जैसे वो रेंट देता है ना, अब वो उसको रेंट देना है लेकिन 20 साल में वो मकान उसका अपना हो जाएगा, जो भी फ्लैट वगैरह उनका बनेगा वो उसको सारा बैंक डील कर रही है। एक तो ये काम हो रहा है, दूसरा ये है कि एक और जो है वो मामला चल रहा है KDA का, अगर KDA की स्कीम चल जाती है और आगे आ जाती है, तो उन्होंने भी एक ऐलान किया था कि हम 4-5 लाख रुपए में लोगों को प्लॉट अवेल करेंगे। आपका कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से रेंटल हम रेंट दे रहे होते हैं, पर रेंट देने के बावजूद वो घर हमारा नहीं, 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 ऐसा नहीं पूछो, ऐसा नहीं पूछो, अभी एक पॉलिटिशियन की हिस्से से पूछो घर टोटल कितने में दे रहे हो। टोटल अभी इसकी कॉस्ट जो है 20 साल में तो पता नहीं, वो किस्तों वाला जो सूद वाला मामला है वो ना हो जाए, पता चला 5 लाख घर है 25 लाख देने पड़े, वो नहीं बोला, टोटल घर कितने में दे रहे हो, एडवांस कितने, वो बन रही है, असल में वो बन रही है बिल्डिंग्स, वो प्लॉट नहीं है। मैंने तो छोटा सवाल किया, एक मोबाइल या 5 हज़ार का टोटल कीमत है, 1000 आप एडवांस ले रहे हो, बाकी आप महीने करो, वो बता दो टोटल, देखे टोटल कितने का है, महीने किस्त है, एडवांस, तीन चीजें बताओ, तीन अल्फाज में मुकम्मल कर ले, टोटल कीमत बताएं भाई, मैंने भी लेना है, सर ने भी लेना है, हमारे ऐसा ना 5 लाख के मकान 50 लाख टोटल जो उन्होंने टोटल जो बजट मेरे सामने आया है वो जो उसकी कीमत होगी 20-25 लाख, 20-25 लाख में अपना घर, फ्लैट वो होगा 600 स्क्वायर फुट का। ओके ओके, अच्छा 600 स्क्वायर फुट का घर 20-25 लाख में मिलेगा, और वो बैंक मॉर्गेज होगा। सुनो सुनो यार, तो मैं वकील हूँ थोड़ा सा, मुझे भी तो जरा बोल रहे, 20-25 लाख में देंगे, 20-25 लाख में 20 साल में तो उसकी कीमत 5 करोड़ हो जाएगा, तो 25 लाख में कैसे देंगे आप? नहीं नहीं, और 25 लाख में तो आज भी नहीं मिल रहा है, कराची के वो जो बलूचिस्तान के साथ किनारा मिलते हैं वहाँ भी नहीं मिलता है। नहीं, जो बिल्डर्स है ना उसको पेमेंट करेंगे, बैंक टैंक का एक शेड्यूल होता है,
कितने वसूल करेगी तो पूछ रहा हूँ। देखें इनका जो इनका जो परसेंटेज होता है जो अपना बनाते हैं, जिस तरह मीजान बैंक वाले अपना बनाते हैं। बताओ ये मोबाइल आप 25 लाख में दे रहे हो, कितने एडवांस देने पड़ेंगे, बाकी तो 20 लाख में साल में देने पड़ते हैं, तो कितने एडवांस और क्या उसको वो है वो सली उर्दू में बताओ। देखो उन्होंने 25% का एडवांस रखा है और बाकी इंस्टॉलमेंट बनाए, यानी 25 लाख का मकान है तो आप 5 लाख रुपए एडवांस और बाकी मैं साल के कितना इंस्टॉलमेंट पूरी 20 साल की बनेगी। 20 साल के 20 साल मतलब 25 लाख से आगे एक रुपए नहीं बढ़ेगा। देखें मार्कअप तो बैंक अपना रखती है, ऐसा नहीं है। ये वही मार्कअप तो अगर इंस्टॉलमेंट लेट होगी तो वो अपना मार्कअप तो रखेगी। थोड़ा से बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग द स्कीम, आपसे आप बचा रही हूं जी बिल्कुल बचा रही हूं क्योंकि ये मेरे गुजरात की। अच्छा आप भी गुजराती सर, जरा ये करो। अच्छा जरा ये बताएगा सर कि ये तो आपने बता दिया कि ईद में आप जो है वो अपनी फैमिली को तो टाइम देते हैं, इसके साथ साथ अपने हल्के रहने वाले तो हमने तो ये बकरे गाय बहुत देखे, तो हमें और हमारे बच्चों को ज्यादा शौक नहीं है उसको गलियों में घुमाने का, तो हम ईद वाले दिन जाते हैं सौरभ गोट, वहीं से जो है कसाई भी साथ लाते हैं, वही जिब्बा करके और पहले ही दिन ही दोपहर तक फारिग कर देते हैं सारा। एक्सीलेंट, ताकि साफ पहले ही दिन ही सब फारिग करते हैं। अच्छा, ताकि दोपहर तक सेकंड और थर्ड ईद को ज्यादा फिर वो गोश्त बच जाता है ना, वो गोश्त होता है ना, कोई खाता है कोई खिलाता है, तो ये भी सारा दिन चलता रहता है। जानवर लेने जाते हैं कसाई भी साथ ले आता है। आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग द ईद, ईसा लेबोरेटरी के प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हफ्सा आप, शुजा आप, यही के सब अपनी डाइट का ख्याल रखें। इसके अलावा जो है हमारे पास बहुत अच्छा जो है वो एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ईसा का मैसेज देने के लिए कि आप लोग आए अपने टेस्ट भी करवा लें, क्योंकि पता नहीं होता कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वगैरह का कि आप गोश्त इतना खा लेते हैं फिर बाद में तबीयत को भी मेंटेन रखना है, तो इसलिए कि ख्याल रखें और ज़रूरत पड़े तो टेस्ट भी करवाएं। बिल्कुल सही मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ का आप बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अभी ईद पे काफ़ी बहुत सारी ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हार्ट से रिलेटेड हैं, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड हैं, तो उसके हवाले से अपनी केयर करें, अपना भी ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें, और इफ यू फील एनी सिम्टम तो बिल्कुल आप टेस्ट जरूर करवाएं। हमारी लैबोरेटरी बहुत प्राइम जो है वो लोकेशन पे अवेलेबल है, तो अपना ख्याल रखें ताकि आप लोगों का भी ख्याल रखें। अच्छा ये डॉक्टर ईद वाले दिन भी क्लिनिक में बैठे हुए इस तरह वो दे रहे, कोई थोड़ा मुस्कराया थोड़ा हंसे तो और बात ईद वाले दिन है खुशी का दिन बिल्कुल। ये जो डॉक्टर लैबोरेटरी से जो बेकरी का आइटम होता है उसको कैसे वो धोएगा और सैनिटाइज करेगा, वो तो डायरेक्ट खानी, वो तो कई हाथ लग चुके हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो जब बनता है और गर्म होता है तो ऑलरेडी तो उससे वो वैसे भी जब गर्म होता है तो गर्म से याद आया कि मैं तो अपने शेफ को भूल ही गई थी। नौरीन जरा बताएगा हमारी डिश तैयार है कि नहीं? पेशावरी ढाबा कढ़ाई इज रेडी, और आई होप सो बहुत ज़बरदस्त इसका जो है वो टेक्सचर है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारी नौरीन ने बड़ी मेहनत करके गर्मी में खड़े होके वहाँ पर ये डिश बनाई है, और हम सब जो है वो ऑब्वियसली बात है कि इसको इंजॉय करेंगे। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ई से रिलेटेड, और आपसे मैसेज पूछूंगी मैं? मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान के माहौल ने, स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूँ, तो यहाँ बहुत सारे दुख, बहुत सारी दहशतगर्दी, बस बहुत सारे कत्ल गारत कराची की आवाम ने देखे, आए मिलके कराची को बना ले, एक मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दें, और ईद के मौके पे खसूसी तौर पे हम सारी जो हमारे एक दूसरे के साथ नाराज़गी हैं वो भूल के रिश्तेदारों का दोस्तों का, और एक साथ हो जाए और ये पैगाम दे अमन और जो कि हमारा दीन देता है। बिल्कुल अमन और भाईचारे का जो है पैगाम देना चाहिए। आप क्या प्लॉट से रिलेटेड पैगाम देना चाह रहे हैं? खसूसी पैकेज बता दो, खसूसी पैकेज और सस्ता पैकेज बता दो, सस्ता पैकेज इससे भी और अच्छा। देखिए पैगाम तो ये है, बहुत अच्छा इन्होंने पैगाम दिया कि बसावकत हम एक पड़ोस में रहते हैं ना, तो कोई आदमी ताकतवर होता है कोई कमज़ोर होता है, ताकतवर से मेरी ये गुजारिश है कि अपनी ताकत कमज़ोर को ना दिखाएं, वो आपका पड़ोसी है, जबकि उसको कोई परेशान करने है तो आप फिर अपनी ताकत दिखाएं। तो इस तरह हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, हम एज ए मुसलमान हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, खासकर ट्रैफिक के अंदर जब किसी की गाड़ी थोड़ी सी भी लग जाती है तो झगड़ा ऐसा होता है कि पता नहीं क्या हो गया उसके साथ, उसके साथ क्या कर दिया, तो ट्रैफिक के हवाले से लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर ड्राइव करें,
और सुकून से दूसरे को भी रहने दें, खुद भी ज्यादा हॉर्न भी ना बजाएं। क्योंकि बताओ क्या होता है कि कोई गाड़ी चल रही है, वो स्लो चल रही है, 60 की स्पीड में चल रही है, पीछे एक 80 की स्पीड में वो हॉर्न ही बजाते जा रहा है, सामने वाला नया ड्राइवर है या वो आहिस्ता चलाना चाह रहा है, वो अगर एसी नहीं लगा गाड़ी में, वो गाड़ी अगर मोड़ेगा तो हादसा हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि टॉलरेंस बहुत जरूरी है, और ईदें जब भी आती हैं तो हमें यही मैसेज दे रही होती हैं कि हमें मिलजुल के रहना है, ईसार और कुर्बानी का जज्बा जो है वो हाई पर रखना है, और साथ साथ में जो है अपने भाइयों का ख्याल रखना है, लेस प्रिविलेज जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच नौरीन आपका, और थैंक यू सो मच ईसा लेबॉरेटरी के प्लेटफॉर्म का, थैंक यू सो मच सर आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, एज अ बिजी पर्सनैलिटी यू गिव अस अ वेरी अप्रिशियस टाइम, एंड आपकी पीपल्स पार्टी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहूँगी बींग अ डॉक्टर के, प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, मीट खाएँ, हमेशा खाएँ, पर प्लीज़ इसको जो है वो तरीके के साथ खाएं, और कोलेस्ट्रॉल का भी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।